दोस्तों रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही क्लिक करें इस बेल आइकन पर जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल कानून की रोशनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी कर ले तो 494 IPC का अपराध करता है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो कोई व्यक्ति है, महिला का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, पति पत्नी दोनों इस एग्जाम्पल को अपने ऊपर ले सकते हैं। महिला का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कोई महिला है वो शादीशुदा है, ए से उसने शादी की है और बी है वो अदर पर्सन है जिससे वो दूसरी शादी करेगी। ए की शादीशुदा पत्नी है वो, ए जीवित है, ए से उसने डाइवोर्स भी नहीं लिया, अब उसने शादी कर ली बी से, तो यहाँ पर उसने अपराध कर दिया 494 IPC का, जिसमें 7 साल की सज़ा है और जुर्माना दोनों है। अब जो ए है उसको राइट है कि वो अपनी बीवी पर 494 IPC का केस फाइल करे। इसकी FIR दर्ज नहीं होती है, इसके लिए परिवाद कोर्ट में पेश किया जाता है। प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो वो ए है वो जाएगा वकील के पास, वो कहेगा कि सर मेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो उसके लिए कहेगा कि आप कुछ एक प्रूफ ला करके दो मुझे, मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रूफ देना होगा परिवाद करने से पहले, कुछ फोटोज़, कोई मैरिज सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा प्रूफ जो ये साबित करता हो कि वो इसकी मतलब उसने दूसरी शादी कर ली। सिर्फ ये होगा कर परिवाद पेश करने के लिए, तभी दर्ज होगा वो, अगर उसमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेंगे उसके पति को, ए को बी उसकी वाइफ के दूसरी शादी के बारे में। कर दिया कोर्ट में, केस फाइल हो गया, तब नोटिस जारी होते हैं उसकी बीवी के विरुद्ध। अब इसमें क्या है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये जमानती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आते ही उसकी जमानत हो जाएगी और केस चलेगा। इसके ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सारा रहेगा ए पर, मतलब उसके पति को साबित करना है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। अब उसके लिए उसको मतलब एकदम जेन्युइन वो देना पड़ेंगे प्रूफ, फॉर एग्जांपल मैरिज सर्टिफिकेट एक बिल्कुल मजबूत प्रूफ है, अगर वो पेश कर देता है तो 494 का अपराध उस पर प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, इसके दो एक्सेप्शन हैं, अपवाद है इस केस के अंदर दो। पहला ये है कि जो ए है उसकी जो शादी हुई थी वो बिल्कुल वैलिड तरीके से हुई थी ना, अगर उसकी शादी ही इनवैलिड है, वॉइड है, उसने जो शादी करी थी वो गलत तरीके से की थी, उसको साबित कर दे वो जो महिला है जिसने दूसरी शादी कर ली बी से, तब तो उसको उसके जो पति है ए वो 494 IPC का केस उसके ऊपर फाइल नहीं कर सकता, मतलब उसकी फाइल जो उसकी पहली शादी है वो लीगल होना भी ज़रूरी है। आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, इनवैलिड मैरिजेस पर मैंने बनाया हुआ है, उसमें आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो इस तरह से है कि जैसे महिला थी ना वो जिसने बी से शादी की है, उसका पति 7 साल से गायब है, ए 7 साल से गायब है और उसको महिला को उसकी पत्नी को उसको पता नहीं है कि उसका पति कहाँ है, ए कहाँ है, कहाँ रह रहा है या जीवित भी है या नहीं, तब ऐसी स्थिति के अंदर वो बी से शादी कर सकती है 7 साल गुजरने के बाद। अब उसको बी को ये बताना है कि मेरी शादी हुई हुई थी, 7 साल से मेरा पति गायब है, ये बी को बता करके वो उससे शादी कर ले। अब अगर ए 7 साल के बाद आ जाता है तो वो एंटाइटल नहीं होगा 494 IPC के तहत उसकी पत्नी पर केस फाइल करने का। तो ये है प्रोसीजर 494 IPC में। अगर कोई क्वेश्चन माइंड है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बहुत कम समय के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है, आपके समझ में आ गई होगी बात। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, आगे शेयर करें। ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।